नमस्कार, मैं नारायण उपाध्याय, महामंत्री महाराणा प्रताप विजय स्मारक संस्थान दिवेर। जिस जगह पर हम हैं, ये महाराणा प्रताप विजय स्मारक दिवेर है। नमस्कार, मैं नारायण उपाध्याय, महामंत्री महाराणा प्रताप विजय स्मारक संस्थान दिवेर। जिस जगह पर हम हैं, ये महाराणा प्रताप विजय स्मारक दिवेर है। ये महाराणा प्रताप की विजय की स्मृति को पूरे राष्ट्र के समक्ष उजागर करने की दृष्टि से ये स्मारक मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत ये बनाया गया है। बंधुओं, हल्दीघाटी युद्ध के 7 वर्ष बाद इस दिवेर की धरती पर एक निर्णायक युद्ध हुआ। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगल का जीवन स्वीकार करना पड़ा, लेकिन अनवरत संघर्ष के बाद एक समय उनके मन में यह आया कि शायद मैं मेवाड़ को पुनः जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए कोई नई रियासत बना दूं। ऐसे समय में भामाशाह वो सामने आए और भामाशाह ने जो धन अर्पित किया वो इतना था कि मुगल सत्ता के खिलाफ लगातार 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों, यानी कि पदाति सैनिक और 5,000 अश्वारोहियों के साथ मुगल सेना के साथ वो संघर्ष कर सकते थे। उससे महाराणा प्रताप के जीवन में नव चैतन्य का निर्माण हुआ और नई सेना सजाकर उन्होंने अपना विजय का अभियान यहाँ से प्रारंभ किया, दिवेर से। और दिवेर पर अकबर का काका सुल्तान खां यहाँ का थानाधिपति था। वो मेवाड़ में नियुक्त 36 थाने थे, उन सब थानों का थाना अध्यक्ष था और उसके साथ 84 चौकियाँ भी स्थापित की थी, उसका भी वो अध्यक्ष था। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप ने दिवेर को निशाना बनाया, जहाँ हल्दीघाटी का युद्ध 3 घंटे का युद्ध है। ऐसा माना जाता है कि दिवेर का युद्ध वो 2 दिन का युद्ध था। प्रथम दिन महाराणा प्रताप का सामना सुल्तान खां से हुआ। सुल्तान खां हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। तब प्रताप ने अपने भाले से और हाथी का कुंभ स्थल फोड़ दिया। प्रताप के एक सैनिक ने, जो परिहार सैनिक था, उसने हाथी के अगले दोनों पांव काट डाले, हाथी धराशायी हो गया। तो सुल्तान खां जो है घोड़े पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व करने लगा। उसी समय अमर सिंह जी, जो दिवेर युद्ध के सेनापति भी थे, उनका सामना हुआ। अमर सिंह जी ने भाले के एक वेग से सुल्तान खां को घोड़े सहित जमीन में गाड़ दिया। ऐसी स्थिति में युद्ध बंद हो गया, लेकिन जब तक भाला नहीं निकले, सुल्तान खां के प्राण नहीं निकल रहे थे, तो उसने प्रताप सैन्य शिविर में ये समाचार भिजवाए कि जिस सैनिक ने ये भाला घोंपा है उसे भेजा जाए, वो भाला निकाले और मुझे प्यास भी लगी है, मुझे जल पिलाया जाए। तो प्रताप ने सोचा कि मुगलों के मन में कोई कपट हो सकता है, तो अमर सिंह जी को न भेजकर और उन्होंने एक भील सेनानी को भेजा। उसको देखकर सुल्तान खां ने कहा कि नहीं, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है, मैं जिसने भाला घोंपा वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई देव मानव है, वो धरती से लगाकर आकाश तक व्याप्त हो गया था, मैं उसका दर्शन करके अपना प्राण छोड़ना चाहता हूँ, मुझे प्यास लगी है, जल भी पिलाया जाए। तो प्रताप अमर सिंह को साथ लेकर स्वर्ण कलश में गंगाजल लेकर वो आते हैं और अमर सिंह को कहते हैं कि तुम इसका भाला निकालो। और महाराणा प्रताप स्वर्ण कलश से गंगाजल पिलाते हुए और कहते हैं कि हे सुल्तान खां, तुम्हारा मोक्ष हो जाए। बंधुओं, ये वो धरती है जहाँ दुश्मन के भी मोक्ष की कामना इस धरती पर की गई। इसी के उपलक्ष्य में दूसरे दिन जब युद्ध हमारा शुरू हुआ तो बहलोल खां सामने आया। महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार से और उसका सिरस्तान लोहे का, उसका कवच लोहे का, घोड़े की पाखट लोहे की, तलवार के एक वेग से
घोड़े सहित वर्टिकल रूप से उसको काट डाला। मैं सोचता हूँ कि विश्व इतिहास में शौर्य की इससे अप्रतिम घटना कहीं नहीं हुई जो दिवेर में रची गई। और इसी प्रकार जब दोनों सेनापतियों का मुगल सेनापतियों का नृशंस वध हो गया, तब संपूर्ण मेवाड़ से मुगल 84 चौकियां और 36 थाने स्वतः खाली करके भग गए। और जब महाराणा प्रताप यहाँ से कुंभलगढ़ गए, जिस कुंभलगढ़ को मुगल सेना को लेने में 6 महीने घेरा डालकर रखना पड़ा, वही किला महाराणा प्रताप जब दिवेर युद्ध के बाद कुंभलगढ़ पहुंचे तो वो खाली मिला। इस प्रकार जो है संपूर्ण मेवाड़ वो जो है मुगलों के कब्जे से मुक्त हुआ। बंधुओं, ये धरती जो है ये मेवाड़ मुक्ति की धरती है, ये मेवाड़ का मुक्ति धाम है। इस स्थान पर सरकार ने महाराणा प्रताप के इस गौरवमय पृष्ठ को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की दृष्टि से और यहाँ पर एक विजय स्मारक बनाया है और पास में ही दिवेर की नाल में युद्ध स्मारक बनाया है। दिवेर का जो ये स्थान है बंधुओं, वो प्राकृतिक दृष्टि से भी बड़ा अनुपम है। यहाँ पर जल विभाजक रेखा है, एक ही घर से दो जो छत से जो पानी है वो एक तरफ, एक नाल का जो पानी है नाले का वो तो जो है गिरते हुए और वो अरब सागर में जाके मिलता है, तो जो है छत के दूसरी तरफ का जो पानी है वो गिरता हुआ और वो बंगाल की खाड़ी में मिलता है। इस प्रकार की यहाँ स्थिति है। दिवेर की पहाड़ियों से 4 नदियां निकलती है, 3 का प्रवाह कोठारी नदी, चंद्रभागा नदी और खारी नदी, इनका 3 का प्रवाह तो मेवाड़ की तरफ है। ये नदियां क्रमशः जाते हुए बनास में मिलती है, बनास चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में और यमुना गंगा में। इसी प्रकार एक नदी जो है वो पश्चिम की तरफ उसका प्रवाह क्षेत्र है और वो जो है मिलती हुई और वो लूनी से मिलती है, लूनी साबरमती से मिलती है और वो पानी अरब सागर में पहुंचता है। बंधुओं, प्राकृतिक दृष्टि से भी दिवेर जो है दो अभयारण्य क्षेत्र, विशेष करके टाटगढ़ रावली अभयारण्य क्षेत्र और कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र का मध्य बिंदु है। और दोनों अभयारण्य में अनेक प्रकार के हमको जो है जंगली जानवर जो है इसमें जो है विशेष करके भालू, सांभर, पैंथर, हिरण, इस प्रकार के जो है, और सुअर, इस प्रकार के अनेक जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे भी विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो जो है दिवेर की जो ये स्थान है ये इतिहास के साथ साथ प्राकृतिक सुषमा और ये कहना चाहिए कि जंगली जो है जानवरों का जो है दर्शन का जो भी है एक अद्भुत केंद्र है। और मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष से और यहाँ पर इतिहास की प्रेरणा लेने की दृष्टि से और प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थियों को यहाँ कार्यक्रम बनाने चाहिए, उनको जो है स्वतंत्रता की अमर प्रेरणा यहाँ से प्राप्त होगी। इसके अलावा जो भी इतिहास प्रेमी बंधु हैं वो भी आए। आपको आज जानकर बहुत अत्यंत प्रसन्नता होगी कि महाराणा प्रताप का जो ये स्मारक है पर्यटन विभाग की निगाहों में मेवाड़ का सबसे भव्यतम स्मारक है। यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं वो इसको जो है जो रेटिंग वाइज है वो 5 में से 4.8 रेटिंग इसकी चल रही है। यानी मेवाड़ में जितने भी स्मारक हैं उसमें सर्वोत्तम रेटिंग यदि किसी स्मारक की है तो वो दिवेर स्मारक की है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप दिवेर दर्शन के लिए यहाँ अवश्य आए। ये महाराणा प्रताप की विजय स्थली, ये स्वतंत्रता का केंद्र, ये शौर्य की भूमि आपको आह्वान करती है कि आप दिवेर पधारें। बंधुओं, ये दिवेर का जो स्मारक है जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH-8 ये राजसमंद से और उत्तर की तरफ जो राजमार्ग चलता है राजसमंद से 50 किलोमीटर दूर और उदयपुर से 110 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित है। तो इसी प्रकार जो है वो जयपुर से दक्षिण की तरफ और 300 किलोमीटर पर जो है ये स्थान है और NH-8 से और केवल 1 किलोमीटर अंदर ही जो है ये स्थित है जहाँ बहलोल खां का वध हुआ। वो युद्ध स्थली यहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जो है दिवेर नाल में स्थित है, वहाँ पर भी जो है युद्ध स्मारक शौर्य स्थल बना हुआ है। वो भी जो है विजय स्मारक के दर्शन के पश्चात सभी पर्यटक जो है वो युद्ध स्थली स्मारक शौर्य स्थल पर भी वहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं। बंधुओं, ये जो स्मारक है ये अरावली पर्वतमाला जो भारत की मुख्य 7 पर्वतमाला हैं उसमें से एक पर्वतमाला और जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला कहलाती है उसके केंद्र में स्थित है। यहाँ का मौसम जो है वो अपूर्व रहता है, समशीतोष्ण रहता है। गर्मी में भी यहाँ पर जो है कभी भी जो है 35 डिग्री
से ज़्यादा तापमान यहाँ पर कभी भी नहीं होता। इस प्रकार बहुत सुहाना जो है मौसम यहाँ पर सदैव बना रहता है। और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की दृष्टि से और विशेष करके स्मारक पर भी जो है एक रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया है, किसी प्रकार सभी प्रकार की जो है स्नैक्स की और ब्रेकफास्ट की और डिनर और लंच की व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। पर्यटकों के ठहरने के लिए जो है आसपास जो है 10 किलोमीटर की रेडियस में बहुत अच्छे होटल है। किसी प्रकार का जो है पर्यटकों को आने का जो है मैं सोचता हूँ कि सभी सुविधाओं से युक्त ये दिवेर का स्मारक है।